प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे वर्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल, कक्षा 10 में प्रश्नावली 15। उसका शेष भाग आज हम पढ़ेंगे 15.3, जिसमें आकृतियों के क्षेत्रफल में संयोजन दिया जाएगा। जैसे कि वर्ग के अंदर से वर्त काट दिया जाए, या फिर आयत के कोनों से 4 त्रिज्याखंड काट दिए जाएं, या फिर किसी वर्त की परिधि किसी वर्ग के परिमाप के बराबर हो, मतलब आकृति आपस में जुड़ जाएंगी, जिसको हम संयोजन बोलते हैं मैथ में। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक 14 सेमी भुजा का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 1, एक 14 सेमी भुजा के वर्ग में से बड़े से बड़ा वर्त काटा गया है। और हमें बतानी है वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। वर्त की परिधि ज्ञात करो। क्वेश्चन समझने के लिए 14 सेमी भुजा का एक वर्ग बनाएंगे और वर्ग में से फिर बड़े से बड़ा वर्त काटेंगे। तो इस प्रकार से ये एक वर्त काटना है। जैसे ये एक वर्ग है आपका 14 सेमी भुजा का, इस प्रकार से ये एक 14 सेमी भुजा का वर्ग है। इस वर्ग में से एक बड़े से बड़ा वृत्त काटना है जो इसकी भुजाओं को स्पर्श करके गुजरता हो। इस वृत्त की परिधि बतानी है ये। अब वृत्त की परिधि का सूत्र, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। लेकिन जब तक r का मतलब वृत्त की त्रिज्या होती है, जब तक r का मान हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम इस वृत्त की परिधि ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम तो यह है कि इसकी r कैसे आएगी। तो r के लिए देखिए, जहाँ ये स्पर्श कर रहा है वृत्त की परिधि को वर्ग, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्यास होगी। ये वृत्त का व्यास है, ये इस वर्ग की भुजा के बराबर ही होगा, क्योंकि वर्ग ऊपर से नीचे तक एक समान चौड़ाई में रहता है। इसलिए ये 14 है तो ये भी 14 सेमी का व्यास आएगा। यानी कि लिखेंगे वर्त का व्यास बराबर होगी वर्ग की भुजा। अब व्यास बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। ये व्यास 14 सेंटीमीटर का आ गया, तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी। ये पूरा व्यास है, इसकी आधी ये त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो r बराबर 14 का आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें परिधि ज्ञात करनी है, तो सूत्र में मान लगा देंगे 2 × 22/7 गुणा r 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 44 सेंटीमीटर इस वर्त की परिधि आ जाएगी, जिसको आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 76 सेमी है। एक वर्त की परिधि
वह त्रिज्या का अंतर है छिहत्तर सेमी है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया है, परिधि होती है 2πr, ये तो परिधि हो गई, और त्रिज्या को बोलते हैं r, ये त्रिज्या हो गई। अंतर का मतलब होता है घटाव करना, ये परिधि ये त्रिज्या, घटाने पर आएगा अंतर। तो 2πr में से r घटाएं तो बराबर अंतर दिया है 74, ये आ जाएगा। अब सवाल को हल करने के लिए देखिए, इस साइड में भी r है, यहाँ पर भी r है, r को बाहर निकाल देंगे दोनों से, r कॉमन आ जाएगी। r कॉमन लेकर के जब r का भाग इसमें लगाओगे तो r से r कट जाएगी, यहाँ बचेगा 2π, माइनस r में r का भाग देंगे तो ये आएगा 1, और बराबर है 74। r 2 गुणा में पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर आ गया 74। r 22 को 2 से गुणा करने पर 44/7 माइनस 1 बराबर आ गया 74। तो सरल करने में ज़्यादा कोई मुश्किलात नहीं है, ये r दोनों साइड में है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर r का भाग लगाएं कॉमन लेकर के, तो r से r कैंसिल हो जाएगी, 2π आ गई, माइनस r का भाग r में देंगे 1, बराबर 74 है ये अंतर। अब ये r का r आ गया, ये 2 गुणा पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 74, ये 22×44 आ गया, 7 माइनस 1 बराबर 74। अब इसको हल करें तो ये भिन्न के रूप में है, लघुत्तम लिया जाएगा, इसके बटा में कुछ है नहीं, इसके बटा में 7 है तो लघुत्तम 7 आ जाएगा। 7 में जब 7 का भाग देंगे तो 1, 1 को ऊपर जब हम 44 से गुणा करें तो 44 माइनस 7 को, जिसके बटा में कुछ नहीं होगा, सीधा गुणा होगा, तो 7×7 बराबर आ गया 74। अब r गुणा में 44 में से 7 गए 37, बटे में आ गया 7 बराबर आ गया 74। अब हमें r ज्ञात करनी है, तो r तो यहीं रह जाएगी, 74 की साइड में जाएगा 37/7, तो ये जब दूसरी साइड जाएगा तो इसकी संख्याएं चेंज हो जाएंगी, नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे जाएगी, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 37 नीचे आ जाएगा। अब 37 को काटें तो 37×74 r बराबर 7×14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब r 14 सेंटीमीटर आ गई, हमें बताना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr की स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7 गुणा में r कितनी है, ये 14 हमने प्राप्त की थी, स्क्वायर है तो दो बार लिखी जाएगी, 14×14, क्योंकि r के मान 14 है, सूत्र में r की स्क्वायर है क्षेत्रफल के, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा करना होगा, तो 14×14 दो बार आ जाएगा। अब इसको 7×14 गुणा करें, 22 को 2 से करें तो 44 गुणा 14, 14 का गुणा करते हैं 44 से, तो 14×4=56, 14 का पढ़ा 4 तक पढ़ेंगे तो 56 बनेगा,
छप्पन का छिक्का लिख दिया, असल लगी पाँच, चौदह का पढ़ा, फिर चार तक पढ़े तो छप्पन, छप्पन में पाँच जोड़ दें असल, तो ये हो गया इकसठ। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी होगा तो उस वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, दी गई आकृति 15.14 में वृत्त का केंद्र O है। इस प्रकार से एक आकृति दे रखी है, इस आकृति के अंदर केंद्र O दिया है और एक इस प्रकार से लघु वृत्तखंड दिया है। यहाँ इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक जीवा और एक चाप के मध्य घिरे हुए क्षेत्र को, ये एक जीवा है, ये एक चाप है, एक जीवा और एक चाप के मध्य घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या है इसकी 3 सेंटीमीटर, आर बताइए 3 सेंटीमीटर, थीटा का मान है 90 डिग्री, आर 3 सेंटीमीटर है, थीटा का मान 90 डिग्री है। तो देखिए आर दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, थीटा का मान दे दिया आपको 90 डिग्री। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये तो हो गया पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, इसमें से ये ऊपर त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अब देखिए पाई का मान 22/7 गुणा में आर दे रखी है यहाँ पर 3, तो 3 × 3 दो बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, गुणा में थीटा का मान देखिए 90 डिग्री है, बटे में 360 आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर, आर का मान 3 है तो ये हो जाएगा 3 × 3 बटे में 2, या साइन थीटा के स्थान पर थीटा का मान 90 डिग्री है तो साइन 90 हो गया। अब साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। ये साइन के मान हैं जो जब भी आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा तो यहाँ पर साइन का मान मिलेगा, या तो आपको 30 या 45 या 60 या 90 या 120, तो ये इसके मान हैं। जैसे इसके स्थान पर मैं अब साइन 90 को हटा करके इसका मान ये लगा रहे हैं 1, अगर यहाँ पर साइन 60 होता तो हम मान लगाते √3/2, अगर साइन 120 होता तो भी मान लगाते √3/2। तो ये मान आपको मिलेंगे 15वें चैप्टर में। देखिए तो अब इसको हल कैसे करेंगे, आगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 का भाग 36 में देंगे तो 4 आ जाएगा। अब 2 का भाग जा रहा है 22 में और 4 में, यहाँ पर 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, 22 में 2 का भाग देंगे 11 आ जाएगा। तो ये आ गया 11 और 3 तीय 9, 11 तीय 33, 33 तीय 99 आ गया,
बटे में 7 × 14 आ गया, माइनस ये 3 × 3 = 9 आ गया, बटे में 2 आ गया। अब ये भिन्न आ गई, भिन्नों के जोड़ घटाव के वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं 1-2, वहाँ भी आप देख सकते हो कि भिन्न के जोड़ और घटाव कैसे होते हैं। और फिर से 1-2 वीडियो और डालेंगे भिन्नों के जोड़ घटाव के, वहाँ भी आप भिन्नों के जोड़ घटाव सीख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर आगे हल करने में। तो देखिए, 14 का और 2 का लघुत्तम लिया जाएगा। लघुत्तम लेने के लिए जिस संख्या का इसमें भाग जा रहा हो उसका दीजिए, वो है भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 का भाग जा रहा है दोनों में, 14 में देंगे तो 7, 2 में देंगे तो 1। अब भाग जा रहा है 7 का, इसमें देंगे 1, इसमें जाएगा नहीं। इनका गुणा जैसे ही करेंगे तो 7 × 14 लघुत्तम आ जाएगा। लघुत्तम एक ऐसी संख्या होती है जिन संख्याओं का लघुत्तम हम ले रहे हैं उन संख्याओं का भाग उसमें पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे 14 में 14 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है और 2 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए दोनों संख्याओं का लघुत्तम आया 14। निकालने की प्रक्रिया ये होती है। अब देखिए, 14 में 14 का भाग दें, नीचे वाले का भाग देना होता है। 14 में 14 का भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। जो भागफल आया है उसका ऊपर वाले से गुणा करना होता है, तो 1 का 99 से गुणा करेंगे तो 99 आएगा। फिर माइनस 14 में 2 का भाग दें तो 7 × 14 7 आएगा। 7 का ऊपर जो है संख्या 9 उसके साथ गुणा हो जाएगा, 9 × 7 = 63 आएगा। अब घटा दें, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 6 गए 3, बटे में आ गया 14। अब इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 36 में देंगे 18, 2 का भाग 14 में देंगे 7, 7 का भाग देते हैं 18 में, उत्तर आ जाएगा 18 में 7 का भाग 7 × 14 बच गए 4.0, 7×5 = 35 बच गए 5.0, 7×7 = 49। तो उत्तर आ जाएगा आपका 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का ऐसा भाग जो एक जीवा और एक चाप के बीच में घिरा हुआ हो, इसी भाग को बोलते हैं वृत्तखंड। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो वीडियो में पढ़ा जा सकता है ध्यान लगाकर कोई बच्चा पढ़े तो, लेकिन क्लास वाली बात तो होती नहीं है, क्लास क्लास ही होती है और वीडियो वीडियो ही होता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे ध्यान लगा करके इसको देखेंगे और इसके द्वारा पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई काम का भी नहीं। इसको ध्यान से देखोगे, बार बार रिपीट करोगे तो इसी से भी पढ़ा जा सकता है। देखें क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वर्ग का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है, एक वृत्त के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो
देखिए इसने लिखा है कि वर्ग का परिमाप और वर्त का परिमाप दोनों बराबर हैं, तो वर्ग का परिमाप तो चार गुणा भुजा होता ही है। बात आ गई कि वर्त का परिमाप क्या होता है, तो वर्त का परिमाप वर्त की परिधि को बोलते हैं, यानी वर्ग का परिमाप होता है उसकी चारों ओर की जो भुजाएं हैं उन चारों भुजाओं का योग। लेकिन जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए चारों का योग करने की बजाय चार गुणा भुजाएं लिख देते हैं वर्ग के परिमाप को। चारों भुजाएं बराबर हैं तो उनको चाहे चारों को जोड़ लें चाहे एक भुजा को चार से गुणा कर दें, एक ही बात होती है। ये तो होता है वर्ग का परिमाप। लेकिन बात करते हैं वर्त के परिमाप की। वर्त का परिमाप आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, वर्त की परिधि पढ़ी जाती है, तो आपको समझना चाहिए कि परिधि को ही परिमाप बोलते हैं। इसके चारों ओर की जो नाप है वो इसकी परिधि है और परिधि को ही परिमाप बोला जाता है। इसलिए वर्त के परिमाप का सूत्र होता है 2πr। वर्त का परिमाप इसका सूत्र होता है 2πr। ये दोनों इसने बराबर बताए हैं कि चार गुणा भुजा बराबर है 2πr के। तो लिखेंगे चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर है वर्त का परिमाप, ये यहाँ तक तो इसने दिया ही है कि वर्ग का परिमाप और वर्त का परिमाप बराबर है। तो मैंने लिख दिया वर्ग का परिमाप बराबर है वर्त का परिमाप। अब वर्ग के परिमाप का सूत्र हो गया चार गुणा भुजा और वर्त का परिमाप हो गया 2πr। अब देखें कि यदि हम भुजा निकाल लें हमें तो ये चार इसके गुणा में है उसके भाग में चला जाएगा, यानी भुजा बराबर 2πr बटे में आ गया चार। इसके चार गुणा में था इसके भाग में आ गया, दो दुनी चार तो भुजा आ गई पाई आर बटे में दो। अब इसने पूछा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, यानी वर्ग का और वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल और वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो लिखते हैं वर्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। ये जैसे प्रश्न में पूछे जाते हैं वैसे ही ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें वर्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर ऐसे लिखा हुआ है, यानी इसका पहले लिखा हुआ है इसका बाद में लिखा हुआ, इसलिए इसको मैंने पहले लिया है इसको बाद में लिया है। किताब में उल्टा लिखा है मैंने उल्टा लिख दिया है, मैंने वर्ग पहले लिख दिया वर्त बाद में लिख दिया, लेकिन किताब में वर्त पहले दिया है वर्ग बाद में दिया है, इसलिए वर्त को पहले लिया है वर्ग को बाद में लिया है। अब वर्त का क्षेत्रफल होता है 2πr और इसका होता है चार गुणा भुजा, क्षेत्रफल सॉरी इसका होता है पाई आर की स्क्वेयर, इसका होता है भुजा गुणा भुजा। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो क्षेत्रफलों के सूत्र ही लगाएंगे। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। अब इसको तो पाई आर स्क्वेयर ही रख देंगे। इसकी जो भुजा है भुजा की नाप देखिए यहाँ क्या निकाली है हमने, भुजा की माप है पाई आर बटे दो, तो भुजा के स्थान पर आ जाएगा पाई आर बटे दो गुणा पाई आर बटे दो। अब एक दो तीन नंबर पर संख्या है, एक दो तीन नंबर पर संख्या है, तो ये दो दुए हैं ये तीन नंबर पर हैं और तीन नंबर की संख्या ऊपर जाएगी, इसलिए ये दोनों दुए तो चले जाएंगे यहाँ पर, दो गुणा दो
और पाई से पाई हो जाएगी कैंसिल। अब ऊपर रह गई आर की स्क्वायर, नीचे देखिए एक तो पाई बच गई और आर को आर से गुणा करें तो आर की स्क्वायर बच गई। ये पाई से पाई कैंसिल हो गई, ये दो दुए जो नीचे तीन नंबर पर हैं ये तीन नंबर की संख्याएं ऊपर चली गई और नीचे बच गई एक तो पाई और आर को आर से गुणा करने पर आर स्क्वायर। ये दो दुए तो नीचे वाले ऊपर चले गए और ये आर की स्क्वायर यहाँ से बच गई। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ये हो गया दो दूनी चार बटे में ये आ गया बाईस बटे सात। ये तीन नंबर की संख्या फिर से ऊपर चली जाएगी सात, तो ये आ जाएगा चार गुणा सात बटे में बाईस और इसको काट दीजिए उत्तर आ जाएगा दो दूनी चार ग्यारह दूनी बाईस। तो ऊपर तो आ गया वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका अनुपात तो आ गया आपके पास सात दूनी चौदह, नीचे वर्ग का क्षेत्रफल है इसका अनुपात आ गया आपके पास 11। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 14 अनुपात 11। इस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हो आप, संख्या वगैरह इसमें दी नहीं है, आपको यहीं से प्रश्न को शुरू करना पड़ेगा कि एक वर्ग का परिमाप एक वृत्त के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बराबर लिख दिया वृत्त का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र चार गुणा भुजा बराबर वृत्त का परिमाप टू पाई आर। अब यहाँ पर भुजा लिख रखेंगे तो ये चार गुणा में भाग में चला जाएगा, इसको काटेंगे तो दो एकन दो दो दूनी चार पाई आर बटे दो आ गई भुजा। अब वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यहाँ क्षेत्रफलों के सूत्र लग जाएंगे, ये पाई आर स्क्वेयर ये भुजा गुणा भुजा, ये तो पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा, भुजा की माप यहाँ पर देखिए पाई आर बटे में दो है तो ये आ गई पाई आर बटे में दो गुणा में पाई आर बटे में दो। पाई से पाई कैंसिल हो गई और ये तीन नंबर की संख्या है दो दुए ये ऊपर चले गए, गुणा में ऊपर आर की स्क्वेयर है, नीचे रह गया एक तो पाई, आर को आर से गुणा करने पर आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट, ये दो दूनी चार पाई का मान बाईस बटे सात। एक दो और तीन नंबर की संख्या फिर आ गई सात, ये फिर चार के पास ऊपर चली जाएगी, नीचे बाईस रह जाएगा, दो का भाग जा रहा है दोनों में, दो दूनी चार ग्यारह दूनी बाईस। अब ये ऊपर तो आ गया सात दूनी चौदह, नीचे आ गया ग्यारह, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात आ गया 14:11। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।